नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुजी आरती में दोस्तों गणपति उत्सव के ऊपर मैंने वैसे आ, कई सारे वीडियो बना दिए हैं पर आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि हवन विधि के बारे में आपने कोई वीडियो नहीं बताया है तो उस बारे में अगर आप एक वीडियो बना देते तो अच्छा होता तो आज का हमारा वीडियो उसी विषय के ऊपर है वैसे हम हवन और धूप हवन दोनों के विषय में ही यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों तो देखिए दोस्तों ये जो गणपति उत्सव होता है ये जो है ग्यारह दिन तक चलता है अर्थात चतुर्थी ते अनंत चतुर्दशी तक जो है गणपति उत्सव आप पालन कर सकते हैं आप गणपति बप्पा को जो है चतुर्थी से लेकर आगे की दस दिन तक अपने घर पे रख सकते हैं तो उसमें आप अगर चाहे तो बप्पा की प्रतिदिन की हवन कर सकते हैं या फिर केवल चतुर्थी के दिन आप हवन कर सकते हैं और जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हैं उस दिन जो है आप संपूर्ण हवन जो है आहुति के साथ यानी उसे पूर्ण कहा जाता है उसके साथ भी आप जो है हवन कर सकते हैं हवन अगर आप पूर्ण हवन करना चाहते यानी कि संपूर्ण विधि विधान के साथ अगर आप हवन करना चाहते तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता हूँ दोस्तों मुझे उस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं खुद वो अपने घर पर नहीं करता हूँ अगर हमारे घर पर कभी वैसे रिचुअल्स किए जाते हैं तो किसी पंडित अज, 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 पंडित जी जो है जो कि इस विषय में जानकारी रखते हैं अच्छे तरीके से उन्हीं से ये कार्य संपन्न कराया जाता है पर अगर धूप हवन के विषय आता है तो हम प्रतिदिन जो है केवल धूप सामग्री जो है आठ बार बप्पा को हवन के रूप में जो है ना आहुति प्रदान कर सकते हैं घी के साथ तो आप अगर धूप हवन प्रतिदिन करना चाहते हैं तो आप कर ही सकते उसमें समस्या नहीं है पर अगर आप संपूर्ण हवन करना चाहते तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों आप किसी जानकार से लेकर ही जो है यानी सलाह लेकर या फिर उन्हें घर पर बुला ही जो है वो हवन आप करिए क्योंकि कई समय क्या होता है हम लोग किताबें देख तो हवन करने की कार्य करने जाते पर हवन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है जो लोग जो लोग जो है इस प्रैक्टिस के माध्यम में रहते हैं अर्थात पैक इस चीज़ को करते करते उन्हें जो है एक प्रैक्टिस हो जाता है एक हैबिट हो जाता है वही लोग जो है ना आपको विधि विधान के साथ इस चीज़ को संपन्न करा सकते हैं तो आपके लिए अगर संभव होता है अगर आप पूजा अपने आप कर रहे हैं या फिर आरती भोग ये सभी कुछ आप शायद अपने आप ही कर रहे हैं धूप हवन भी आप प्रतिदिन कर रहे हैं अपने आप पर अगर आप संपूर्ण हवन करवाना चाहते हैं दोस्तों आप कई लोग होते हैं कि चतुर्थी के दिन नहीं करवाते हैं जिस दिन विसर्जन करते केवल उसी दिन पूर्ण हवन जो है वो करवाते तो आप अगर वो भी करवाना चाहते तो मैं कहूंगा आपको किसी जानकार पंडित जी को बुलाकर ही इस कार्य को संपन्न कराना चाहिए तो आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा और जिस दिन आप पूर्ण हवन करेंगे उस दिन भी आपको धूप हवन करना पड़ेगा चतुर्थी से लेकर जो है आपको अनंत चतुर्दशी जिस दिन आप गणपति बप्पा का जल विसर्जन करेंगे उस दिन तक जो है आपको धूप हवन संपूर्णता से करना होगा इसमें आपको प्रतिदिन जो है आठ बार जो है ना मतलब जो धुनची पात्र होगा या फिर आप हवन कुंड भी रख सकते छोटा सा उसमें जो है नारियल के जटा या फिर जो गोबर के कंटे है उसे जलाकर जो है उसमें आपको आठ बार हवन सामग्री आहुति देना है और उसके साथ साथ घी भी आपको आहुति देना है दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप इसमें एक गुड़ और नारियल के जो तिली है वो भी अगर आप देते तो ये अच्छा होता है मैंने वैसे धूप वाले मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने पूरा इस बारे में बता दिया है आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा इससे आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप धूप साम या फिर हवन सामग्री के साथ जो है प्रतिदिन धूप हवन कर सकते हैं उसमें आप केवल गंग गणपति नमक या पर गंग गणपति स्वाहा मंत्र का ही बोल सकते हैं इसमें बाकी देवताओं को पूर्ण हवन उसे कहते हैं कि सभी देवी देवताओं को उसमें आहुति प्रदान की जाती है कहा जाता है कि वनस्पति जो होता है जो हमारे और भी सारे उपदेवता उपदेवियाँ होती है उन्हें भी जो है संपूर्णता से आहुति दी जाती है इसलिए उसे पूर्ण हवन कहा जाता है धूप हवन केवल आप जो है जिस देवता की आप इष्ट की आराधना कर रहे हैं चाहे वो प्रतिदिन की पूजा में हो या विशेष पूजा में हो केवल उन्हीं के नाम का जो है है ना उसमें दिया जाता है। हवन सामग्री या पर धूप सामग्री के माध्यम से तो आप अगर धूप हवन कर रहे हैं तो प्रतिदिन जो है आप गणपति बप्पा को दोस्तों गणपति बप्पा के नाम से जो है आप आहुति प्रदान कर सकते पर विषय आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर आपने चतुर्थी से शुरू किया है जिस दिन तक आप पूर्ण हवन करेंगे यानी अगर आप अनंत चतुर्दशी को पूर्ण हवन करवाते हैं पंडित जी को बुलाकर तो उस दिन भी आपको अपने आप क्योंकि आप आप खुद अपने जो है प्रतिदिन इस धूप हवन को कर रहे हैं तो इसलिए उस दिन भी आपको अपने आप जो है इस धूप हवन को करना चाहिए धूप हवन का भी पूर्णाहुति देने के बाद जो है या फिर आप जो पूर्ण हवन करेंगे उसमें भी आप जो है इस धूप हवन का संपूर्ण रूप से पूर्णाहुति दे सकते हैं पर आपको धूप हवन प्रतिदिन ही करना होगा चतुर्थ चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी चतुर्दशी तक हर दिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है और अगर आप धूप हवन एक बार करने का कोई संकल्प लेते हैं तो आपको प्रतिदिन करना होगा इसलिए आप इस विषय को थोड़ा सोच समझ कर लीजिए कि आप केवल जो है प्रथम दिन या फिर जो अंतिम दिन है उस दिन आप धूप हवन करेंगे या फिर जैसे हवन लोग करते हैं उसके साथ धूप हवन भी आप उसी तरीके से करेंगे या फिर जो है आप प्रतिदिन हवन के से गणपति बप्पा की आराधना करना चाहते हैं अर्थात धूप हवन के माध्यम से तो ये आपको संकल्प लेने समय थोड़ा समझ लेना चाहिए तो इस तरीके से आप जो है गणपति बप्पा की हवन और धूप हवन कर सकते हवन जो मैं आपको कहूंगा दोस्तों वो आपको किसी जानकार को अपने घर पर बुलाकर ही उसे संपूर्ण करवाना चाहिए ये मेरा मत है क्योंकि मैं भी यही कार्य करता हूं अगर हमें संपूर्ण हवन करवाने की होती है और धूप हवन या फिर जो साधारण लौकिक हवन आप करना चाहते तो वो आप प्रतिदिन कर सकते हैं पर आप अगर संकल्प लेते हैं कि मैं आपको मैं आपकी प्रतिदिन जो है धूप हवन से पूजा करूंगा बाप्पा तो आपको जो है चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक जब तक जो है आपका पूर्ण हवन नहीं हो जाता यानी अनंत चतुर्दशी के दिन भी आपको धूप हवन एक बार करना ही होगा उसके बाद जो है आप पूर्णाहुति के माध्यम से आपकी जो संपूर्ण पूजा है वो आप बप्पा को समर्पण कर दे सकते हैं दोस्तों तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने हवन के बारे में आप लोगों को, को संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए बनाया है ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार